आबिदा का ये फैसला देखकर सब लोग हैरत में पड़ जाते हैं। माँ बाप कहते हैं कि बेटी तुम इतनी ताज गुजार इबादत गुजार हो और तुमने एक शराबी से अपनी शादी के लिए हाँ कह दी, तुम्हारी ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये लड़की कहती है कि ये सायल पंजतन पाक के नाम पर मांग रहा है, जो कुछ भी मांग रहा है, मैं इसका सवाल कैसे रद्द कर सकती हूँ जब फातिमा जहरा ने अपने बच्चों को गिरवी रखा था और साहिल का सवाल पूरा किया था। तो हम भी अगर उनके उसूल अपनाएंगे तो हमसे खुदा भी राजी होगा और उसका रसूल भी राजी होगा। आप लोग फिक्र ना करें, जो मैंने फैसला किया है उसको आप बाखुशी अंजाम दो। लड़के से कहा कि जाओ तुम अपने घर और शादी का इंतजाम करो और बारात लेकर आ जाओ। तो देखिए ये लड़का तो खुश हो जाता है ये बात सुनकर, और फिर वो बारात लेकर इस लड़की के यहाँ आ रहा है। कैसे? काम सब शादी के मेरी बाखुशी अंजाम दो, आए जब बारात घर पर तो उसे आराम दो। जब शराबी लड़के की बारात घर पर आ गई, देखने वालों के दिल पर एक हैरत छा गई। है ये दूल्हा एक शराबी और लड़की रोजादार, कैसे मिल पाएगा लड़की के लिए चैनो करार। बाप ने बारात को ठहराया अच्छी शान से, की तवाजे शाम को अफ्तारी के सामान से। फिर नमाज आकर पढ़ी मस्जिद में ही बासद नियाज, जिंदगी में ये पढ़ी थी दूल्हा ने पहली नमाज। जिंदगी में पहली बार उस दूल्हा ने इफ्तार के बाद ये मगरिब की नमाज अदा की थी। जब नमाज के बाद यानी इफ्तार के बाद बारात ने खाना खा लिया तो फिर क्या हुआ सुनेगा। खा लिया बारात ने खाना तो पानी आ गया, फिर वुजू करके वो दूल्हा सीधा मस्जिद को गया। अक्द दोनों दूल्हा दुल्हन का हुआ फिर बाखुशी, रात को बारात फिर काजी ने घर पर रोक ली। सब बराती बाखुशी सोए वहीं आराम से, वक्त सहरी का हुआ तो सहरी दी सब के लिए। फिर नमाज़े फजर पढ़कर आया दूल्हा शान से, और फिर रुख्सत करा कर ले गया अरमान से। काजी ने दुख्तर को अपनी मालो जर काफी दिया, था जहेज अच्छा जरूरत का सभी सामान था। आबुदा मैं कैसे अपने आज रुख्सत हो गई, आबुदा मैं कैसे अपने आज रुख्सत हो गई, आबुदा मैं कैसे अपने आज रुख्सत हो गई। वो शराबी खुश था उसकी पूरी हसरत हो गई, वो शराबी खुश था उसकी पूरी हसरत हो गई, वो शराबी बेटी आबिदा रुख्सत होकर अपने माँ बाप के यहां से जब अपने शौहर के यहां आती है
तो ये शराबी तो खुश हो जाता है कि आज मेरी हसरत पूरी हो गई है, मगर इसको क्या मालूम था कि अब इसके अच्छे दिन आने वाले हैं। समाप्त कीजिएगा सामीन, ये इसका खास बंद है और बड़ी तवज्जे के साथ आप सुनेंगे, थोड़ा सस्पेंस है इसमें। कैसे आबिदा शौहर के घर पहुंची तो सबने देख कर की बहुत तारीफ के, दुल्हन है ये रश के कमर। सब ये कहते थे शराबी का मुकद्दर देखिए, हूर जैसी गुल बदन दुल्हन मिली इसके लिए। अब सुनो शौहर के घर में आबिदा ने क्या किया, जो भी था सामान घर में सब करीने से रखा। बोतलें दो दो के रखी फेंक कर सारी शराब, भर दिया बोतल में पानी डाल कर अरके गुलाब। जब ये अपने ससुराल पहुंचती है और अपने शौहर का वो कमरा देखती है तो शराब की बू आ रही थी, जगह जगह बोतलें रखी हुई थी। ये सारी बोतलों को धोती है और उनमें गुलाब का अर्क भरकर रख देती है। और फिर आबिदा ने अपने शौहर से क्या कहा, समाप्त कीजिएगा। आबिदा ने अपने शौहर को किया यूं सरफराज, उससे जोहरो असर की मस्जिद में पढ़वाई नमाज। वक्ते मगरिब का हुआ होने लगी जिस दम अजा, बीवी और शौहर ने रोजा खोला होकर शादुमा। वो गया मस्जिद में बीवी ने पढ़ी घर में नमाज, फिर दुआ की नेक शौहर को बना ऐ बेनियाज। जब वो आया घर में शौहर तो चला पीने शराब, आबिदा बोली के बैठो मैं पिलाऊंगी जनाब। एक दिन पूरा जब गुजर गया और इस शराबी लड़के को शराब नहीं मिलती है, नमाज भी पढ़ी दो तीन वक्त की और मगरिब की अजान जब हुई तो रोजा भी इफ्तारा। उसके बाद नमाज पढ़कर जब ये आता है तो फौरन शराब पीने के लिए जाता है, लेकिन लड़की कहती है कि ठहरो। उसके बाद लड़की ने क्या किया था कि वो जो गुलाब का अर्क उन बोतलों में रखा हुआ था उसको एक प्याले में लेकर उसका एक जाम बनाकर उस पर सूरह इखलास पढ़कर यानी कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़कर दम कर दिया। ये नेक और पारसा लड़की जब उस मैं के प्याले पर, शराब के प्याले पर सूरह इखलास पढ़ती है तो वो क्या हो जाता है, समाप्त कीजिएगा। सूरह इखलास पढ़कर फूंक कर प्याला दिया और फिर दिल में कहा सुन रोजादारों की खुदा। पंजतन का वास्ता और माह रमजा के तुफैल, दूर फरमा कल्ब से शौहर के सारा गर्दो मैल। जाम पीते ही मुनव्वर हो गए कल्ब व जिगर, जाम पीते ही मुनव्वर हो गए कल्ब व जिगर, जाम पीते ही मुनव्वर हो गए कल्ब व जिगर। आखिरी बन रोजादार लड़की और शराबी लड़का, इस उनवान से हम आपको सुना रहे हैं। इस बार रमजान शरीफ में हमने इसके अलावा एक कैसेट और किया है जिसका उनवान है
माह रमजान बड़ी शान वाला, आप जरूर सुनिए उस कैसेट को भी। और ये आखिरी बंद इसका समाप्त फरमा लें, और इसी कैसेट में आप इसके बाद सुनेंगे सहरी नामा, यानी सहरी की क्या फजीलत है, कैसा मंजर होता है। इसके बाद फौरन ही बाद आप सुनने जा रहे हैं, लीजिए आखिरी बंद समाप्त कीजिएगा। वो लड़का जब सूरह इखलास पड़ा हुआ वो पानी पी लेता है तो उसको नींद आ गई, लेकिन जब नींद आ गई तो ख्वाब में एक दुर्वेश नजर आते हैं, और वो उस लड़के से क्या कह रहे हैं ख्वाब में समाप्त कीजिएगा। उसके शौहर ने बड़े ही शौक से प्याला पिया, पी के प्याला हो गई तस्कीन, फौरन सो गया। ख्वाब में उसके लिए दुर्वेश एक आए नजर, बोले तेरी बीवी है अल्लाह वाली कद्र कर, कर ले मैं नोशी से तौबा, बख्श देगा फिर खुदा, दोनों आलम में सुकूनो चैन इज्जत पाएगा। पंजतन का सच्चे दिल से जब करेगा एहतराम, तो खुदा फरमाएगा रहमत से तुझको शाद काम। खुल गई जब आंख तो तौबा की और रोने लगा, बख्श दी अश्के नदामत ने उसे कामिल शफा। आबिदो जाहिद बना आशिक हुआ इस्लाम का, मोतकिद सच्चा हुआ वो पंजतन के नाम का। फिर बहम दोनों मोहब्बत चैन से रहने लगे, बारिश रहमत हुई रोजे की बरकत देखिए। हो गई ऐसा उन पर जब निगाह पंजतन, हो गई ऐसा उन पर जब निगाह पंजतन, हो गई ऐसा उन पर जब निगाह पंजतन। घर भरा औलाद से फूला फला उनका चमन,